आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर यूपी के बंदायू से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। मामला दरअसल थाना अलापुर क्षेत्र के ग्राम रमनगला का है, जहां के निवासी आयेंद्र ने 7 साल पहले गांव की ही लड़की से घर से भागकर शादी की थी, जिसके बाद दोनों दिल्ली में रहने लगे थे। लेकिन लॉकडाउन के चलते आयेंद्र अपने गाँव वापिस आ गया था, जिसकी भनक जैसे ही लड़की के भाई को लगी तो उसने आयेंद्र को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को तालाब के किनारे फेंक दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। बीती रात थाना अलापुर के गांव रमनगला में एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के शव पर चोटों में काफी निशान है और गनशॉट इंजरी भी है। गांव के कुछ लोगों पर इसकी हत्या करने का आरोप है। इस प्रकरण को लेकर लाश बरामद करके पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है और शीघ्र ही युवकों की गिरफ्तारी की जाएगी। और यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि युवक का आपराधिक इतिहास था, इसके भी 4-5 मुकदमे थे और पूर्व में भी एक युवती को भगा ले जाने का आरोप भी इस पर लगा है।